तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A20 फ़ोन। दोस्तों ये फ़ोन हमारे पास आया हुआ है और कस्टमर के द्वारा बताया गया है कि ये फ़ोन सुबह सुबह गिर गया था। गिरने के बाद ये अब चार्ज नहीं हो रहा है। फिलहाल में ये इतना चार्ज है, इसके बाद जब भी चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्ज फ़ोन नहीं हो रहा है। वहीं बात करें तो हम इसमें सबसे पहले चेक करा देते हैं। देखिए ये चार्जर हमने लगाया और लगाने के बाद यहाँ पे चार्जिंग सब कुछ चल रहा है, लेकिन फ़ोन जो है कि चार्ज नहीं हो रहा है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये वाले फ़ोन में जो सैमसंग गैलेक्सी A20 है, ये चार्जिंग क्यों नहीं ले रहा। तो वहीं बात करें हम इस फ़ोन की, तो इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये चार्ज वास्तव में नहीं ले रहा है। देखिए थोड़ा सा अभी चार्जिंग का सैंपल दिखाई दिया और फिर से चला गया। देखिए यहाँ पे कोई भी चार्जिंग शो नहीं कर रहा था और इसमें नॉट चार्जिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, हम हिला डुला के भी देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि सैमसंग A20 जो फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी A20, इसमें किस तरीके से आप चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोई भी चार्जिंग सैंपल नहीं है और यहाँ पे चार्जर भी लगा हुआ है। चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा जल्दी से खोल लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देंगे ताकि आपका समय जो है वेस्ट ना हो। इसके बाद देखते हैं कि आखिर इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है। देखिए ये वाला जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसको भी आपको बाहर निकाल देना है, नहीं तो अगर सीधा निकालेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी ये फ़ोन है, देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये पूरा सील वगैरह निकला हुआ है इसका। तो देखिए सबसे पहले चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो अगर सबसे पहले आपको देखना ये है कि आपका जैक जो है, चार्जिंग जैक ठीक है कि नहीं। तो चार्जिंग जैक तो हमको ठीक ही लग रहा है और ज़्यादा गंदगी वगैरह भी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये चार्जिंग जैक जो है ख़राब है, डैमेज हो चुका है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर चेंज करने की नौबत नहीं है, अगर आपका सब कुछ सही लग रहा है कि आपका ये चार्जिंग जैक ठीक है, तो आपको करना क्या है वो हम आपको बताएंगे, जिसके बाद अपनी चार्जिंग की प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बता देते हैं कि कैसे इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। देखिए अगर आपके फ़ोन में ठीक चार्जिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन भर नहीं रहा है, तो ये भी आपको जैक चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपका फ़ोन ठीक चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसमें आपको चार्जिंग जैक को चेंज करके देख लेना है, या फिर अपने मोबाइल की डाटा केबल को भी चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी चार्जिंग भरने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 99% में तो आपकी डाटा केबल चेंज करने से ही आपकी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आपकी डाटा केबल चेंज करने से भी नहीं होती है, तो आपको ये जैक चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसको भी आप चेंज कर लीजिए, इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर चार्जिंग वाली IC से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन इसमें नॉट चार्जिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, तो आपको किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए ये फ़ोन गिरा हुआ था, कस्टमर ने बताया है कि थोड़ा सा गिर गया था, गिरने के बाद इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आप देखेंगे गिरने के बाद होता क्या है कि कई बार ये वाले पॉइंट जो हैं, ये चार्जिंग वाले पॉइंट जो है लूज हो जाते हैं। ये वाले पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं, ये कई बार लूज हो जाते हैं। तो पहले तो आप इनको रीसोल्ड करके देख लीजिए, अगर आपके रीसोल्ड होने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो आप रीसोल्ड करके सबसे पहले तो देखिए। ठीक है, अगर रीसोल्ड करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो तो क्या करना है आपको, वो हम आपको बताएंगे और सॉल्यूशन भी आपको करके दिखाएंगे और चेक भी करके दिखाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमको एक जम्पर लगाना पड़ेगा, तभी हमारी चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है, वो जो कोई भी चार्जिंग शो नहीं कर रहा, तो वो जम्पर लगाने के बाद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। देखिए अभी हम इसमें जम्पर लगा के आपको दिखाते हैं और इस फ़ोन को चार्जिंग भी चेक करके आपको अभी दिखाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमने ले लिया है एक जम्पर,
और बताना चाहेंगे कि जब भी आप इसमें जंपर की आवश्यकता पड़े, जंपर से वर्क हो, तो पहले आप टेस्ट कर सकते हैं सिंगल जंपर से। इसके बाद आपको अगर इस तरीके का जंपर आप यूज कर रहे हैं तो इसको आपको डबल लगाना है, दो जंपर लगाना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप एक जंपर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको डबल जंपर लगाना है। अगर आपके पास मोटा जंपर है तो आप एक ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पतला जंपर है तो आपको उसको डबल जंपर लगाना है। तो उसके लिए देखिए किस तरीके से जंपर लगाना है वो हम आपको बता देते हैं, और जंपर लगा के और टेस्ट भी करा के आपको अभी दिखाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा आयरन हमारा ठंडा है तो उसको गर्म होने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अभी देखिए ये जंपर हमने ले लिया है और अब हम इसमें लगाते हैं जंपर को, और पास से जूम करके भी आपको दिखा देंगे, नहीं तो आप कहेंगे हमने समझ में नहीं आया। पहले हम लगा लेंगे, इसके बाद आपको पास से जूम करके भी दिखाएंगे। तो ये जंपर हमने लगा दिया है, और जंपर को करना क्या है कि ये वाला जो फ्लेक्स आता है इसको हमको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के बाद ये जो रबड़ है ना इसको भी हमको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद इस वाले पॉइंट पे जो तो आप देख रहे हैं ना, सबसे पहला पॉइंट ये वाला जो बड़ा पॉइंट दिखाई दे रहा है, आपको ये जंपर जो है यहाँ पे लगा देना है, नहीं तो आप यहाँ पे पहले और दूसरे पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या फिलहाल में नहीं है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि जंपर जहाँ पे हम लगा रहे हैं वो ठीक है जगह कि नहीं। हाँ तो वहीं पे हमको लगाना है, तो चलिए हम पहले लगा लेते हैं, इसके बाद जो है आपको टेस्ट भी हम करके अभी दिखा देंगे। और जब हम दिखाएंगे आपको तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इजीली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें इस तरीके से जंपर लगा के। देखिए बारीक जंपर लगाना है तो आपको पतली आयरन का यूज करना है। देखिए जहाँ पे हमने आपको बताया था वहाँ पे हमने ये जंपर ऐड कर दिया है। तो चलिए अब हम आपको चेक करा देते हैं कि ये जंपर हमने कहाँ से कैसे लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जंपर जो है ना हमने इस जगह पे ऐड किया हुआ है। ये सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A20 फ़ोन है, तो ये इस वाले कैपेसिटर पे लगाया हुआ है हमने जंपर। आप इस वाले कैपेसिटर की इस साइड भी लगा सकते थे क्योंकि ये इतना जगह एक ही है, तो इसी साइड लगाना है। इस साइड हमने ये जंपर लगा दिया है, इस साइड भी आप लगा सकते थे, ठीक है। तो ये जंपर सीधा गया हुआ है आपकी इस वाले फ्लेक्स केबल के जैक के सबसे पहले पॉइंट पे, जो हमने आपको बताया था इस तरीके का यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और जूम करके दिखाते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने लगा दिया है, ठीक है। और इसी तरीके का पॉइंट इस साइड भी होता है, देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है, तो आप इस वाले पॉइंट पे भी ये जंपर लगा सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका वर्क जो है हो जाता है। इस तरीके से आपको जंपर लगाना है, और मोटा जंपर यूज करना है, पतला जंपर यूज नहीं करना है। और अगर आपके पास मोटा जंपर है तो ज़्यादा अच्छा है, पतला जंपर यूज करेंगे तो फिक चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि स्लो चार्ज होगा फ़ोन, ठीक है। तो ये हमने जंपर को लगा दिया है, ठीक है, और इसको भी लगा दिया है। और अब हम टेस्ट करते हैं फ़ोन को कि हमारा फ़ोन जो है चालू चार्ज होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो ये हम अभी लगा देते हैं
और ये चार्जर को लगा दिया। देख सकते हैं कि चार्जिंग हमारा स्टार्ट हो गया है। और चार्जिंग के सैंबल की बात करें तो अभी हम चार्जिंग सैंबल भी आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं कि चार्जिंग का सैंबल भी हमारा यहाँ पे दिखने लगा है। तो दोस्तों, इस तरीके का वीडियो अगर अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो, इसी तरह टॉपिक हम लेके आते रहें और वीडियो को बनाते रहें। देख सकते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन हमने पतला जंपर लगाया है तो हो सकता है कि हमारा फ़ोन जो है स्लो चार्ज हो, लेकिन आपको मोटा जंपर या फिर इसी तरीके के अगर जंपर यूज कर रहे हैं आप, इस तरीके का जंपर यूज कर रहे हैं तो इसको आप डबल दोहरा करके लगा सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।